तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ये महिंद्रा का डीजी है, 15 kVA 12 kW का। तो इसको हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, चालू करने वाले हैं। नया डीजी है ये, 220 वोल्ट का है दोस्तों। और ये डीजी देख लीजिए, ये डीजी का पूरा ये फिल्टर है, ऑयल फिल्टर या, और ये फैन है, और ये नीचे ऑयल टैंक है, फ्यूल टैंक। ये फ्यूल टैंक के बगल में आपका फ्यूल मीटर हो गया। ये डीजी महिंद्रा का है और ये पावर एल मॉडल का है। ये डीजी का पैनल बोर्ड है, तो देखते हैं पैनल बोर्ड में क्या क्या है। ये पैनल बोर्ड में एक मेन MCB दिया है बड़ा वाला, जिससे पावर आउटपुट होता है। उसके बाद ये जो लाल रंग का कनेक्टर देख रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें से। और ये बैटरी चार्जर है NHP, इससे बैटरी चार्ज होता है डीजी का। उसके बगल में एक कंट्रोल MCB है और 4 फ्यूज है कंट्रोल का। उसके बाद 2 कनेक्टर है, ये 2 कनेक्टर में अगर 220 वोल्ट डालिएगा तो इससे बिना चालू किए भी बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये बैटरी चार्ज करने के लिए दिया गया है 2 कनेक्टर। और यहाँ CT लगा हुआ है और ये नीचे कनेक्टर है जो 220 वोल्ट आउट करेगा। ये मेन MCB है और 2 रिले है इसमें। ये नीचे इसका ऑल्टरनेटर है डीजी का, ये डीजी का ऑल्टरनेटर स्पेसिफिकेशन है। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया डीजी है, एक महिंद्रा कंपनी का, जो साउंडलेस है। और ये डीजी का इंजन का लेवल है, ये देखिए। इसमें हम केबल डाल दिए हैं, 2.2 कोर का है, 25 स्क्वायर mm का एलुमिनियम केबल है, आर्मर केबल है। और ये बैटरी है 12 वोल्ट का, तो इसमें प्लस माइनस का कनेक्शन डालना है, देख कर के डालना है। काला वाला माइनस में जाएगा और लाल वाला प्लस में जाएगा। ये लाल और काला का दोनों को हम लोग कनेक्शन कर लिया है। अब इसको बढ़िया से टाइट कर देना है, लूज नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं प्लस माइनस को। इसको टाइट करने के लिए 10-11 का टीप आना चाहिए होगा। ये टाइट हो गया, ये देखिए हम कनेक्शन कर लिए हैं प्लस माइनस आउटपुट का, जो 220 वोल्ट निकलेगा डीजी से। और ये हमने पैनल ऑन किया तो देखे कि लो फ्यूल लेवल दिखा रहा है, मतलब तेल एकदम खाली था टैंक में। तो इसमें तेल हम लोग डाल दिए हैं, अब ये लो फ्यूल लेवल चला जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए चला गया, अब लो फ्यूल लेवल नहीं आ रहा है, जनरेटर मोड दिखा रहा है। तो इसमें हम लोग तेल डाल दिए हैं यहाँ से। तो अब इसको फिर कंट्रोल ऑन करेंगे और इसका एक ऑटोमेटिक मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड है, जो ये वाला बटन से होता है। ये ऑटोमेटिक मैनुअल मोड अगर चलाना है तो ये स्क्रीन के पीछे एक मेंस पुल का ऑप्शन आएगा, उसमें 220 वोल्ट डालना पड़ेगा। और अब हम उसको